Hello viewers, today again we have a practice session. The question is before all of you. 7 questions are visible. You can start answering the questions, and at the same time I will start discussion along with the correction for all of you. You know very well that English language consists of 8 kinds of words and 5 kinds of sentences. In today's session, in each and every questions, there is a blank space. 4 options have been given. You have to find out the most suitable options to fill the blanks. So without wasting the time, let us start doing the answer. We will try to understand each and every word. The first one, Kamal walks as if he blank space lame. अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही as if आता है, as if का अर्थ हो जाता है मानो, इसे मानो का अर्थ दिया जाता, कल्पना को दिखलाने का काम शुरू कर देता है. एज इफ आपको कंसेप्ट दे रहा है मानो. कमल वॉक्स, कमल ऐसे टहलता है मानो. मानो के बाद आगे काल्पनिक चीज आती है, इसलिए एज इफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब. और कीजिएगा, जहां कहीं भी एज इफ का प्रयोग होगा उसके बाद, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे. यह रूल है. और आमतौर पर इस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर्स को ढूंढने के लिए दे दिया जाता है. तो सेंटेंस में सही ऑप्शन क्या होगी? सेंटेंस में सही ऑप्शन हो जाएगी कमल वॉक्स एज इफ ही वर लेम. कमल ऐसे टहलता है मानो वह लंगड़ा हो. He talks as if he were mad. वह ऐसे बात करता है मानो वह पागल हो. You can frame as much sentence as you can. Each and every sentence provides you the opportunity, the chance to frame new sentences. And if you are capable to do that one, naturally your advancement, your development, your progress will be within your reach. Next question, let us see. It doesn't rest a space the collector to order his release. Preposition को डालना है, on, with, over, upon. अगर आप गौर से देखें तो rest इस सेंटेंस में रेस्ट ऑन और रेस्ट अपॉन दोनों सुटेबल हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल को हमें चुनना है, इसलिए हमें उचित होगा रेस्ट अपॉन को चुनना, जिसका अर्थ होता है डिपेंड्स ऑन, निर्भर होना. रेस्ट अपॉन, निर्भर होना. इट डजंट रेस्ट अपॉन द कलेक्टर टू ऑर्डर हिज रिलीज. उसके रिलीज के ऑर्डर के लिए कलेक्टर के ऊपर यह निर्भर नहीं करता है. इस तरह का भाव हम लोगों को मिल रहा. तो रेस्ट के साथ यह मोस्ट सुटेबल वर्ड हो जाएगा अपॉन, जिसका अर्थ होता है डिपेंड्स ऑन. अगले को देखें, रीनाज मैरिज. पिछले क्लास के डिस्कशन में मैंने आपसे शेयर किया था, मैरिज का वर्ब फॉर्म होता है मैरी, और मैरी हमेशा टू लेता है, जबकि मैरिज प्रीपोजिशन के रूप में हमेशा विथ को बर्दाश्त करता है. रीनाज मैरिज विथ राजेश टमल्टस. टमल्टस गिव्स यू द कंसेप्ट ऑफ द रिलेशनशिप इज नॉट गुड, द रिलेशनशिप इज वेरी वायोलेंट. सच सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द सेंटेंस. अगला देखें, इफ यू लिव इन ए करप्ट सोसाइटी यू कैनॉट इजिली राइज. प्रीपोजिशन को डालना है, ब्लैंक स्पेस, प्रीवेलिंग करप्शन, बियॉन्ड, अपॉन, अबव एंड ओवर.
if you live in a corrupt society, you cannot easily rise above. यहां पर suitable हो जाएगा above prevailing corruption. प्रीपोजिशन को सीखने के लिए सिर्फ समझने की जरूरत है और डायरेक्ट उसे मस्तिष्क में रखने की जरूरत है. अगले को देखें. आई एम ग्लैड. आज के क्वेश्चंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी मैंने कुछ कवर करने की कोशिश की है. यहां पर प्रीपोजिशन नहीं है, वर्ब आ गया. आई एम ग्लैड स्पेस द मूवी टू हैव सीन टू सीन हैड सीन टू हैज सीन. इसमें बाकी ऑप्शंस तो बिल्कुल गलत दिख रहे हैं सिवाय ए के. हमें आंसर करना चाहिए आई एम ग्लैड टू हैव सीन द मूवी. अगले सेंटेंस की तरफ चले. द स्टोरी डेवलप्ड. प्रीपोजिशन डालना है आउट अप ओवर और इनटू. द स्टोरी डेवलप्ड ए थ्रिलिंग क्लाइमेक्स. यानी एक मोशन दिख रहा हम लोगों को, एक स्पीड दिख रही है क्लाइमेक्स की तरफ मूवी का डेवलपमेंट, स्टोरी का डेवलपमेंट. तो ऐसी स्थिति में हमें इस्तेमाल करना चाहिए इनटू. द स्टोरी डेवलप्ड इनटू ए थ्रिलिंग क्लाइमेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. That rule is not applicable. Blank space. Everyone. Applicable. Applicable यानी लागू करने योग्य, उस पर लागू होने योग्य. तो applicable हमेशा बर्दाश्त करता है to. It means that rule is not applicable to everyone. The correct option is to. This is from the preposition side. आगे देखिए. Everyone of us will have to atone blank space his misdeeds. Misdeeds का अर्थ होता है बुरे कार्य, बुरे कर्म. और atone का अर्थ होता है पछताना. Atone हमेशा अपने साथ preposition बर्दाश्त करता है for. यहां सीखने वाली बात या समझाने वाली कोई बात नहीं. बेहतर होगा atone for हम याद रख कर ले. अगर हमें यह याद हो जाता है तो फिर आनंद है. जब भी आप एटोन का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर फोर का ही प्रयोग करना पड़ेगा. और एटोन आपका वर्ब है, शब्दों को पहचानना है. अगले सेंटेंस को देख, बाकी लोग आगे की तरफ बनाते भी चलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में उचित शब्द को भरते चलेंगे और पीछे से मैं उसे करेक्शन करता हुआ, डिस्कशन करता हुआ मैं भी आगे की ओर बढ़ रहा हूं. नेवर बोस्ट. बोस्ट का अर्थ होता है डिंग हाकना, दूसरे शब्दों में भांजना. और ये हमेशा, क्योंकि प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का कॉलम खाली छोड़ा हुआ है, इसमें कौन सा उचित होगा, फोर, इन, ऑफ या बाई. तो ये बिल्कुल याद रखने की चीज है. डिंग मारना होता है बोस्ट का अर्थ और ये हमेशा बर्दाश्त करता है ऑफ को. नेवर बोस्ट ऑफ योर वेल्थ. अपनी संपत्ति के संदर्भ में ज्यादा डिंग मत हाँ. Do you think you me somewhere before? यहां पे टेंस से है, वर्ब को डालना है. कौन सा उचित होगा? ब्रैकेट में है saw, have seen, were seeing, had seen. Do you think you me somewhere before? सेंटेंस काम हो रहा है बिफोर से, जाहिर सी बात है इसमें पास्ट टेंस नहीं होगा. पास्ट टेंस में हम ago का प्रयोग करते हैं, बिफोर का नहीं. तो बेसिकली यहां पर होना क्या चाहिए? Do you think You have seen me somewhere before. यहां उचित करेक्शन हो जाएगा You have seen. आप मीनिंग को सेट आउट करके देखेंगे, सेट करके देखेंगे, आपको साफ साफ अर्थ इसका स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा. The examiner could guess. Guess का अर्थ होता है अनुमान लगा और यहां पर वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है. और जब भी हम अनुमान लगाने की बात करेंगे, गेस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ये हमेशा सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन को बर्दाश्त करता है और वह है एट. द एग्जामिनी कुड नॉट गेस एट द आंसर करेक्टली. मीनिंग इज क्वाइट सिंपल, वर्ड्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. गेस इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन एट. अगले को देखिए. माई ब्रदर इज वीक. वीक आपका एडजेक्टिव है और वीक यानी कमजोर
ये जब भी प्रीपोजिशन के रूप में बर्दाश्त करेगा तो एट, वीक एट, क्लेवर एट, गुड एट, गेस एट मस्तिष्क में रखना चाहिए। जब भी इन शब्दों का प्रयोग करें और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करने की जरूरत आपको पड़ जाए और आपकी मेमोरी में है तो आपसे गलती नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस में है लिखने और बोलने की तो गलती नहीं होगी। और यदि आप प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं, सिर्फ एक बार देखते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं, तो गलतियां तो होनी वाजिब है। अगले सेंटेंस को देखें, हम लोगों ने 12 कर लिया है, बड़ी सिंपल सा सेट बनाया हूं। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लिव स्पेस द डिफिकल्टीज दैट वी कम अक्रॉस। अब यहां पर लीव है, इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल होगा? ओवर, थ्रू, बाय, अपॉन। हम लोगों को बिल्कुल उस तरह से रहना चाहिए कि अगर रास्ते में कठिनाइयां भी आराम से मिलती हो तो कोई समस्या ना हो। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लिव, हम लोग को इस तरह से रहने की कोशिश करना चाहिए कि अगर डिफिकल्टीज आती भी हो तो कोई परेशानी ना हो। तो ऐसी स्थिति में लीव के साथ सबसे सुटेबल वर्ड हो जाएगा थ्रू, लीव थ्रू। अगला सेंटेंस को देखें, ही वॉज रियर अप का अर्थ हो जाता है पालन पोषण करना या किसी खास स्थान पर बढ़ना। तो ही वॉज रियर्ड अप पैसिव वे में सेंटेंस है, द फुट हिल्स ऑफ मसूरी नेचुरली इन होगा, नहीं हो सकता, एट नहीं उचित है, ऑन भी नहीं हो सकता, एमिडेस्ट द फुट हिल्स ऑफ मसूरी, मसूरी में छोटे छोटे पहाड़ियां काफी मात्रा में है, उनके बीच में उनका पालन पोषण हुआ, वो बड़ा बड़े हुए। My uncle decided to take, वेरी सिंपल प्रोनाउन की चीज आ गई है यहां पर। My uncle decided to take, I उचित नहीं होगा, mine भी सही नहीं होगा, myself भी सही नहीं होगा, naturally me, my uncle decided to take me and my sister to the market. The meaning is quite simple, you can easily understand it. अगला वर्ड को देखें, सेंटेंस को देखें, A private secretary cannot have authority. ऑथोरिटी का अर्थ हो जाता है अधिकार, और ये हमेशा एक ही प्रीपोजिशन को बर्दाश्त करता है, ओवर ऑथोरिटी मस्तिष्क में इसको रख ले, जहां भी आप ऑथोरिटी की बात करेंगे ओवर का ही प्रयोग करना पड़ेगा। डू यू हैव द ऑथोरिटी ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, डू यू हैव द ऑथोरिटी ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, सच सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस यू कैन फ्रेम एज मच एज यू कैन। आगे देखें, जयंत प्लेज फुटबॉल खेलता है किस तरह से, तो बिल्कुल अनुभवी खिलाड़ी की तरह। तो यहां पर सबसे उचित है एज दाउ भी सही नहीं, एज इफ भी सही नहीं, एज ऑफ भी सही नहीं, बिल्कुल एज, जयंत प्लेज फुटबॉल एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अगले सेंटेंस को देखें, रेनी सीजन हैज सेट। अब ये सेट से बहुत सारे वर्बल फ्रेज बन जाते हैं, जैसे यदि आप कहते हैं सेट ऑफ तो यात्रा करना, सेट आउट जर्नी के लिए, दोनों का अर्थ लगभग लगभग मिलता जुलता है, जर्नी के लिए, यात्रा के लिए निकलना, सेट ऑन किसी चीज को सेट करना, और सेट इन का अर्थ हो जाता है प्रारंभ होना। रेनी सीजन हैज सेट इन, द रेनी सीजन हैज सेट इन, रेनी सीजन प्रारंभ हो चुका है, यह भाव दे रहा। अगले को देखें, ही इज बीइंग accused, accused भर्ब है, यहां पर भर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, पैसिव में लिखा गया है सेंटेंस को, एक्यूज का अर्थ होता है आरोप लगाना, भर्ब है, और यह हमेशा एक ही प्रीपोजिशन को बर्दाश्त करता है, वह है ऑफ। मैं फिर बोल रहा हूं, इसे सिर्फ समझ लेना है और बार बार लिखकर बोलकर प्रयोग कर लेना है, रटना नहीं है। जब भी आपको मौका मिले एक्यूज शब्द का प्रयोग करने के लिए, आप उसके साथ ऑफ का ही प्रयोग करें। आगे देखें,
लेट अस मेक आवर क्वारल एंड बी फ्रेंड्स अगेन, हम लोग झगड़े को खत्म करें और फिर से दोस्त हो जाएं, कुछ इस तरह का भाव दे रहा। अगर आप मेक के साथ ऑफ लगा देते हैं, मेक ऑफ, इसका अर्थ हो जाता है भाग जान, मेक ऑफ भाग जान। अगर आप मेक आउट कहते हैं तो मेक आउट का अर्थ हो जाता है समझना या लिखना, मेक आउट। अगर आप मेक अप कहते हैं तो किसी चीज जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति देना, मेकअप फोर भी होता है प्रीपोजिशन वर्बल फ्रेज, मेकअप फोर क्षतिपूर्ति करना। यहां पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए लेट अस मेकअप आवर क्वारल एंड बी फ्रेंड्स अगेन। आंसर इज क्वाइट राइट, मीनिंग इज क्वाइट सिंपल बिफोर ऑल ऑफ यू। अगला देखिए, He has resigned himself, resigned, उसने अपने आप को पूरा छोड़ दिया है। किसके ऊपर छोड़ दिया है? तो टू फेट। The correct answer is टू, not फोर into in no. He has resigned himself to fate. अगले sentence को practice में देखते हैं, थोड़ा सा scroll कर दूं ऊपर। Finally, the ADM decided to resign. The ADM decided to resign. When he was passed off, pass off verbal phrase है, गुजर जाना होता है, passed out किसी विशेष प्रकार की प्रशिक्षण को पूरा करने के उपरांत बाहर निकलना कहलाता है, pass over यहां पर आंसर है, pass over यानी overlook, ignore कर देना, तो यहां पर suitable आंसर हो जाएगा the idiom decided to resign when he was passed over for promotion to DM. अगले सेंटेंस को देखें, he persisted, persisted persist verb है और इसका अर्थ होता है हठ करना, जो आपकी मर्जी है उसी को करना, चाहे दूसरे व्यक्ति आपको कितना ही आर्गुमेंट करके आपको मना करे समझाए। he persisted to go to Patna in spite of a lot of argument with his father. परसिस्ट हमेशा एक ही प्रीपोजिशन को लेता है और वह है हमारा इन, ही परसिस्टेड इन सेइंग सो, परसिस्ट हमारा वर्ब है। शब्दों को पहचानते हुए चलना है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस, इंजूरियस का अर्थ हो जाता है हानिकारक, हानिकारक। इंजूरियस मीन्स परनीसस, परनीसस मीन्स डिट्रीमेंटल। हानिकारक जब हम कहते हैं तो सिर्फ इंजूरियस ही नहीं, परनिशस भी होता है, डिट्रीमेंटल भी होता है, और इन तीनों शब्द के साथ हम प्रयोग करते हैं टू, इंजूरियस टू। यही कारण है कि आप सिगरेट के पैकिंग पर, सिगरेट के पैकेट पर ये लिखा हुआ देखते हैं, स्मोकिंग सिगरेट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ, वैधानिक चेतावनी रहती है वहां पर प्रिंट किया हुआ। आगे देखें, यू मस्ट रिमेंबर दिस लेसन, You must remember this lesson. आप इस lesson को निश्चित याद कर लो। कैसे याद कर लो? तो word by word, word by word, यानी शब्द after शब्द के साथ इसको आप याद कर लो। आज ये practice session थोड़ी छोटी है, महज simple से questions मैंने 25 तैयार किए थे, जिसमें कुछ prepositions के सवाल, कुछ verbal phrase और कुछ टेंसेस से मैंने सेंटेंस को लिया था। अब ये 25 सेंटेंस आपके सामने पूरी की पूरी है, आप इस पर 5 सेंटेंस, 10 सेंटेंस स्वयं से सोचकर प्रैक्टिस करें, इन शब्दों का प्रयोग करें और अपनी अंग्रेजी में मजबूती को डेवलप करें। विद दीज वर्ड्स नाउ आई कंक्लूड दिस सेशन सेइंग ऑल ऑफ यू ए लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।